सो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माईगनो सोल्यूशन में एंड मैं प्रेरणा सिंह आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी पी पी सी सी वन जीरो थ्री व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान के फ्री सॉल्व असाइनमेंट बेसिक किस्तक के लिए सो so, स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई दो हजार बीस में एडमिशन लिया है और अगर आपको इन असाइनमेंट का पी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड अदरवाइज अगर आप चाहें तो जब मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बचाना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने फ्री सॉल्व असाइनमेंट तो ये देखिए स्टूडेंट व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान तो स्टूडेंट्स आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो आपके कुल सौ अंक के होते हैं सौ अंक में से आपको आपके असाइनमेंट में जो अंक दिए जाते हैं तो यहाँ पे नोट दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कोई सभी प्रश्न आप नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पे देखिए एक सत्र कार्य एक है आपको आपके असाइनमेंट दो भाग में आपके डिवाइडेड मिलेंगे ठीक है यानी कि बटे हुए मिलेंगे तो जैसे कि पहला भाग है आपका सत्र कार्य एक निम्नलिखित वर्णात्मक श्रेणी के प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक नियत है यानी कि जब आप सत्र कार्य एक के प्रश्न के उत्तर जब आप लिखेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग पांच शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न आपका बीस अंक का है तो ऐसे आपको सत्र कार्य में आपको तीन प्रश्न दे रखे हैं तो ये तीनों प्रश्न आपके बीस बीस अंक के हैं ओके okay, फिर है आपका सत्र कार्य दो ये देखिए सत्र कार्य दो में आपको कुल आठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वो आठ प्रश्न आपके पांच पांच अंक के हैं जिनके आंसर आपको यानी कि जिसके उत्तर आपको सौ शब्दों में देने हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर पे हम चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने इन प्रश्नों के उत्तरों को हल किया है देखिए, पहले मैं आपके साथ सत्र कार्य एक के जो उत्तर हैं, उनके उत्तर में आपके साथ डिस्कस करूंगी जैसे कि यहाँ पे नोट दे रखा है निम्नलिखित निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 20 अंक का है तो पहला प्रश्न है आपका व्यक्तित्व का मनोविज्ञ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए आपका दूसरा प्रश्न है गिल फ्रॉड का बुद्धि संरचना सिद्धांत का वर्णन कीजिए सो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप प्रश्न के उत्तर आप लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो उत्तर लिखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं अगर आप इनको रीड आउट भी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपके एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी प्रश्न तीसरा है आपका सवैंगिक बुद्धि के सब प्रत्यय और संवैंगिक बुद्धि के मॉडलों की व्याख्या कीजिए और यहाँ से आपका सत्र कार्य दो आपका स्टार्ट होता है जिनके उत्तर आपको सौ शब्दों में देने हैं तो इसमें आपको जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो प्रश्न आपके पांच पांच अंक के हैं तो प्रश्न चार है आपका व्यक्तित्व और समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बीच अंतर कीजिए प्रश्न पांच है आपका एक अच्छे परीक्षण के गुणों का वर्णन कीजिए प्रश्न छह है आपका भारतीय मनोविज्ञान क्या है इसके क्षेत्रों का वर्णन कीजिए आपका प्रश्न सात है यक्स डॉट सॉन लॉ की व्याख्या कीजिए प्रश्न आठ है आपका सृजनात्मकता बढ़ाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए प्रश्न नौवा शारीरिक गति संबंधी बुद्धि और देशी बुद्धि की व्याख्या कीजिए प्रश्न दसवा है आपका अभिशमता परीक्षणों की कमियों का वर्णन करें प्रश्न ग्यारह प्रभावकारी आत्मनियमन के घाटकों का वर्णन कीजिए सो स्टूडेंट्स यहीं पे आपके असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं और अगर आपको इन असाइनमेंट को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको इन असाइनमेंट का पी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और अगर आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट की असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा बी पी सी सी वन जीरो थ्री व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान के फ्री सॉल्व असाइनमेंट बेसिक किस तक के लिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बैलाइकन को बचाना ना भूलें